कुछ ऐसे ऐप होते हैं जो मेलिशियस नेचर के होते हैं, और अगर कोई जो व्यक्ति संवेदनशील जगह पे नियुक्त है और उनके मोबाइल फ़ोन में अगर वो डाउनलोड हो जाता है, तो इसके चांसेस रहते हैं कि वो कोई दूसरा आदमी दूर से बैठ के भी जो यूज़र है उसका डाटा उससे ले सकता है फिशिंग के तहत। तो ये कि ये साइबर क्राइम नेचर का है कि मेलिशियस सॉफ्टवेयर हम आपके यूज़र के फ़ोन में डाल दें और फिर उससे सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। तो हमारे जो कुछ स्पेशलिस्ट यूनिट्स हैं, उनका ये इंटरनल अपना ऑर्डर है कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं जिनके क्रेडेंशियल प्रूवन नहीं है या जिसके दुरुपयोग की संभावना है, तो सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग ये प्रिकॉशन बरतते हैं कि केवल जो फुल प्रूफ जो सॉफ्टवेयर है जिसके दुरुपयोग के चांस ना हो, वही हम अपने मोबाइल फ़ोन में रखें ताकि किसी तरह का हमारे डेटा का ब्रीच ना होने पाए। तो क्या ये जो नियम है ये पूरे यूपी पुलिस पर लागू होगा या कुछ अलग-अलग? सर, एक सिक्योरिटी एजेंसी पर जो आपकी एसटीएफ है या मान लीजिए मैंने एटीएस के केस आपको में भी है? बताया कि जितने भी हमारे यूज़र यूनिट हैं, दे टेक देयर प्रिकॉशंस। ये हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने इसको कहीं देखा होगा, तो इस पे इसकी जो मूल भावना है यही है कि हमारे कंप्यूटर या हमारे फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके क्रेडेंशियल प्रूवन नहीं है हम लोग यूज़ नहीं करते। सर, ऐसे एप्स के जरिए तमाम जो जनरल पुलिस कर्मी हैं, टिकटॉक है, ऐसे वीडियोस भी बना लेते हैं वायरल, तो क्या वो पुलिस फोर्स के जनरल जो स्पेशल यूनिट्स को छोड़ करके क्या पुलिस फोर्स के लिए भी ऐसे कुछ रहेंगे? देखिए, जो भी सेफ ऐप नहीं होते हैं उन, अगर जैसे ही ये चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में आती है, तो हम सभी को सेंसिटाइज करते हैं कि ये यूज़ करना उचित नहीं है। अब कोई आदमी अपने प्राइवेट कैपेसिटी में इसको यूज़ करता है वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल फ़ोन में हम लोग इसको डिस्करेज करते हैं। जितने भी हमारे यूज़र यूनिट हैं, दे टेक देयर प्रिकॉशंस। ये हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने इसको कहीं देखा होगा, तो इस पे इसकी इसका जो इसकी जो मूल भावना है यही है कि हमारे कंप्यूटर या हमारे फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके क्रेडेंशियल प्रूवन नहीं है हम लोग यूज़ नहीं करते। देखिए, जो भी सेफ ऐप नहीं होते हैं उन, अगर जैसे ही ये चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में आती है, तो हम सभी को सेंसिटाइज करते हैं कि ये यूज़ करना उचित नहीं है। अब कोई आदमी अपने प्राइवेट कैपेसिटी में इसको यूज़ करता है वो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में, ऑफिशियल फ़ोन में हम लोग इसको डिस्करेज करते हैं।